हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि'स वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन, रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम दोबारा से लेके आ गए बहुत ही ज्यादा लाजवाब एक स्टेज शो पे। सिद्धू मूसेवाले के लिए कुछ ऐसी बातें बोली है उनके एक फ्रेंड ने जिनका नाम है कोराला मान, आप सब जानते हैं। आर ने तो कोराला मान सिद्धू मूसेवाले के दिल के कितने करीब थे और उनको कितनी इज्जत करते थे सिद्धू मूसेवाले की। तो मम्मी उन्होंने एक स्टेज शो करा था, तो ये एक गाना टाइप बन गया, बट बेसिकली गाना नहीं है। उन्होंने उनके लिए कुछ चार लाइनें गुनगुनाई है, शायद ये गाना फ्यूचर में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। बट इसकी गाने की ना क्लिप बना दी है लोगों ने, गाने का नाम है, मतलब इस गाने को नाम दिया है थापी याद रहूं। और सिद्धू मूसेवाले के लिए चार बातें गुनगुनाई है। तो मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया करूंगा। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के साथ मरते दम तक रहे, और कोराला मान ने अपनी बात को पूरा करा। उन्होंने अपने स्टेज शो पे सिद्धू मूसेवाले के लिए बहुत ही लाजवाब गाना गुनगुनाया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि आपके साथ बैठ के इसको जरूर सुनना चाहिए, और अगर ये गाना आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। गाने का नाम है थापी याद रहूं, और ये सिर्फ एक स्टेज शो पे गुनगुनाया हुआ गाना है। तो उसकी थोड़ी सी जो क्लिप हमारे पास है हम उस पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहले मैं सुनना चाहूँगा, फिर मैं कुछ आगे बात करना चाहूँगा उस्ताद सिद्धू मूसेवाले के बारे में। तो आप भी कुछ कहना चाहते हो मम्मी? मैं तो यही बात कहूँगी कि ये बात गाने की बात नहीं है, ये तो वाकई में एक बहुत अजीब सी बात है जो इसके पापा ने थापी मारी है, अपनी पैरों पे टांग पे थापी मारी है और अपने बेटे के जनाजे को उठा के, और बहुत इतनी हिम्मत तो मैं किसी के अंदर भी नहीं देख पाऊंगी कि हे भगवान, ऐसी हिम्मत किसी को दिखाए भी नहीं, पर बहुत हिम्मत उन्होंने करी है बरकार सिंह जी ने। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि ये जिंदगी भर हम कभी भी ये बात भूलेंगे नहीं भूल सकते कि वाकई में बहुत हिम्मत थी इनके अंदर। और मैं कुछ नहीं कहूंगी फिलहाल, मैं पहले ये गाना देखती हूँ फिर उसके बाद में बात। तो यार पहले हम ये गाना देखते हैं, ये जो उन्होंने गुनगुनाया गीत है वो देखते हैं, फिर हम बताते हैं हमारा क्या ओपिनियन है। उससे पहले बता देते हो, अगर आप यहाँ तक अगर आप नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब, तो तुम्हारे भाई ने दो चैनल ऊपर कर दिया, एक ब्लॉग चैनल, दूसरा तुम्हारे भाई का ये चैनल। तो ब्लॉग चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा चैनल ये है। तो मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को ही लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाना सीखा होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताया गाने पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करने, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो चले मम्मी, चलो जी लेट्स गो। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला। के रब भी आखदा हो कुछ ते पाप हो गया है, सच्चाई रब भी आखदा हो कुछ ते पाप हो गया है, तू कादा तुरिया वे जग चुप चाप हो गया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, के कली कली गल याद पुरा भी भुली नहीं यारा, केड़ी ऐसी अख जो तेरे लिए ढुली नहीं यारा। क्या बात है, क्या बात है, के अबरा तक तो धरती, अबरा तक तो धरती तेरी नबी याद रहू, के रहंदी दुनिया तिकर तेरी थापी। क्या बात है, क्या बात है, फैक्ट 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 लाजवाब। रहंदी दुनिया तिकर तेरी थापी याद रहू। क्या बात है यार, लाजवाब। कहना बम्बे वाले भी आगे आया मुड़ के आप ना तू, संजय दत्त आया था ना, बम्बे वाले भी आगे आया मुड़ के आप ना तू, केड़ी गलों तोड़ गया यारी भोले बाप ना तू। क्या बात है यार, के चार के भावे चार दिना दी जिंदगी जो के ढाई तुर गया है, क्या बात है, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, लेजेंड नेवर डाय, सच्चाई है भाई। सो गाइस यार मैं इसे गाना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये एक्चुअल एक एक बंदे की फीलिंग है सिद्धू मूसेवाले के लिए, कि मतलब मैं क्या ही कहूंगा, मतलब मैं ना स्पीचलेस हो गया हूँ कि मतलब भाई कितने सच्चे दिल से। ये गाना नहीं है, ये अपने दिल की आवाज निकाली है कोराला मान ने बहुत ही
खूबसूरत और एक हकीकत बयां करी है। रियलिटी है कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से गया था, एक बच्चे से बच्चा बूढ़ा से बूढ़ा रोया था, आसमान से लेके जमीन तक फट गई थी, और कहते हैं कि भगवान भी रो गया कि कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैंने क्या कर दी इस दुनिया में। अगर आज तू नहीं है तो हमें लगता है कि हमारा बड़ा भाई नहीं है हमारे ऊपर। और मतलब जो कहते ना कि सिद्धू मूसेवाले की जो थापी है वो थापी जिंदगी भर याद रहेगी। जब तक सिद्धू का नाम याद रहेगा, सिद्धू मूसेवाले के गाने इस दुनिया में अमर रहेंगे, तब तक सिद्धू मूसेवाले की थापी भी अमर रहेगी। और लास्ट में कह गया कि तू अपने बाप के साथ अपनी यारी छोड़ गया। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, मैं स्पीचलेस हो गया हूं। मतलब यार सिद्धू मूसेवाला ना एक नाम नहीं है, सिद्धू मूसेवाला एक ब्रांड नहीं है, सिद्धू मूसेवाला एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कहते हैं ना दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ जो अकेली आई थी अकेली गई है, तो वो सिद्धू मूसेवाला है कि जिसने चार जिंदगी जिंदगी जी है, पर वो चार जिंदगी जिंदगी उसने 40 जन्म की जिंदगी लेके गया है। मतलब हर एक बाप, हर एक माँ और हर एक बच्चा प्राउड करता है सिद्धू मूसेवाले पे, और आज भी उनके मरने के बाद उनका जो फैन बेस लव है, उनके साथ का जो सपोर्ट है वो आज तक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिद्धू मूसेवाला एक कैसी शख्सियत थे, क्योंकि आज की दुनियादारी मम्मी ऐसी है ना कि आज बंदा मरे और कल लोग उसे भूल जाते हैं, बट सिद्धू मूसेवाला उनके मोहताज नहीं है। सिद्धू मूसेवाला कुछ अलग ही था, और इस जैसा आदमी ना इस दुनिया में पैदा हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। कहते हैं ना भगवान भी 100 साल में एक बार जन्म लेते हैं कहीं पे, तो ये भगवान से कम भी नहीं थे। इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी यादें दुनिया के साथ ताज़ा करी हैं। तो मैं स्पीचलेस हूँ मम्मी इसके लिए। आप क्या कहना चाहोगे करोला मान के लिए कि उन्होंने कैसा करा? मैं करोला मान के लिए तो ये कहूंगी कि वाकई में करोला मान ने इतनी अच्छी यारी निभाई है, इतना अच्छा उन्होंने दिल से बात ये की दिल से क्योंकि कई बार आदमी होता है कि आदमी सोचता है कि इसके बारे में मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, क्या करूं। जो उनके अंदर से आत्मा से जो आवाज़ निकली है ना, वो आवाज़ इतनी अच्छी और इतनी पवित्र आवाज़ निकली है कि मैं वाकई में कायल हो गई हूँ कि करोला मान ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने ये बात कही है। सबसे पहले तो लिखा है कि अपने बाप की यारी छोड़ गया, वाकई में जो पापा एक मिनट भी उसको छोड़ते नहीं थे, और कहाँ तो पापा को बिल्कुल अपने से अलग ही कर गया। और माँ को देखो, माँ को तो बिल्कुल छोड़ गया, जहाँ माँ के ऊपर तू इतने गाने लिखता था, इतनी बातें करता था, माँ के हाथों से तू छुट्टियाँ करवाता था, अपनी माँ के आशीर्वाद लेके ही घर से बाहर निकलता था। उस दिन तो तू ऐसा निकला कि बेटे तूने दोबारा माँ का आशीर्वाद भी नहीं लिया। मैं वाकई में बहुत ही स्पीचलेस हो जाती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं समझ आती, पर फिर भी कहते ना कि इस बात के लिए भी माँ बाप प्राउड फील कर रहे हैं। माँ फिर भी कहती है कि लोग जो है मेरी कोख को दुआएं देते हैं कि तूने इतना अच्छा बच्चा पैदा करा, और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उनकी माओं की कोख को बद्दुआएं देते हैं लोग, तो वो उनकी बद्दुआएं जो है ना वो वाकई में वो बद्दुआ के लायक ही है। क्योंकि कहते हैं ना कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिद्धू मूसेवाले के दो कातिलों का इंकाउंटर भी हो गया है, तो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो सब यही निकलेगा, अच्छा भी और बुरा भी। कहते हैं स्वर्ग और नर्क सब यही है, और यही है। तो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे को कुत्तों ने घेर के मारा, वाकई में वो कुछ भी इंसान नहीं थे, जिस लायक थे ही नहीं वो, और उन्होंने कितने बड़े स्टार को उन्होंने खत्म कर दिया। हम स्टार को नहीं कहेंगे, हम भगवान को कहेंगे कि वाकई में कई बार मैं बैठती हूँ ना तो मेरा दिमाग ये कहता है कि शेर को कुत्तों ने घेर के मारा। वाकई में मैं जब सुनी मैंने तो मैं बड़ी अपसेट हो गई कि ये वाकई में ये कौन सी बात है कि शेर को भी कुत्ते मार सकते हैं। क्योंकि शेर के कुत्ते इसलिए मारे क्योंकि वो शेर अकेला था और कुत्ते चारों तरफ से घेर लिया था कुत्तों ने। तो मैं ये कहूंगी कि करोला मान ने बहुत अच्छा गाना लिखा है। बीच में जो लाइन बोली है कि अब तो बॉम्बे वाले भी आ गए पर तू नहीं आया। संजय दत्त उनके घर गए थे उनकी माता पिता से अपना दुख कम करने, उनके दुख को बांटने, क्योंकि संजय दत्त के ऊपर गाना गाया था सिद्धू मूसेवाले ने, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि मम्मी इस गाने पर रिएक्शन करेंगे, उस पर भी जल्दी रिएक्शन करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त कहते हैं अपने दिल की फीलिंग बयां करी है करोला मान ने। बहुत अच्छा लिखा है कि बस हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि करोला मान ने इतना सब कुछ, तो करोला मान ने क्या जो हमारे मन की फीलिंग है ना वो एक्सप्रेस कर दी। बिल्कुल जो हमारे मन में जो आ रहा था ना वो सब कुछ करोला मान ने कह दिया है।
तो आई होप मैं ये कहूंगी कि सिद्धू मूसे वाले की आत्मा को भगवान शांति दे, जहां कहते हैं कि भगवान भी एक बार ये कह गया होगा कि मैंने क्या गलती क्या कर गलती दी, क्या गलती हो गई हमारे से, जो एक हमारे हाथ से एक जगमगाता हुआ सितारा जो टिमटिमा रहा था और वो उसकी रोशनी एकदम से खत्म हो गई है, पर हम उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम ये चाहेंगे कि उसके गाने रोज बजे, रोज हम उसको कोई ना कोई ट्रिब्यूट करे और हम उसके गाने सुने और उसके गानों पर डांस करें, नाचे गाए, कहीं भी हो तो मूसे वाले के गाने बजे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अंदर से आत्मा तो रोती है, पर फिर भी हम ये चाहती हैं कि वो जिंदा मर के भी वो अमर होए और उसको दुनिया कभी भी ना बुलाए। और यार बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार सिद्धू मूसे वाले के लीक सॉन्ग पे गाने गाओ। हमने गलती से सिद्धू मूसे वाले के गोली सॉन्ग पे रिएक्शन कर दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पछताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा और वो गाना भी मैंने हटा दिया यूट्यूब से। तो यार मैं सिद्धू मूसे वाले के कोई भी लीक सॉन्ग पे रिएक्शन नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके मम्मी पापा पहले कोई गाना रिलीज कर दे, उसके बाद हम उसके ऊपर रिएक्शन करें। अपने को व्यू नहीं चाहिए, अपने को प्यार है उस बंदे से और हम उस बंदे को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। तो यार आई होप आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो। अगर आप यहाँ तक आ गए और आप चाहते हो आप मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, जिसका एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, से क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करने को, वहीं से देखिए हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।